तो देश की राजधानी क्या है? डाउट। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा आज में बात करेंगे गुरु जी के गुरु वाणी की। प्रदेश की राजधानी क्या है? डाउट। जी हाँ, ये है गजब गुरु जी। अजब गुरु जी की गजब कहानी है। गुरु जी को नहीं पता है कि सूबे के मुखिया कौन है। तनख्वाह तो लेते हैं, 70-80 हजार रुपये तनख्वाह लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। और सोचिए, ये प्रिंसिपल हैं, कोई छोटे मोटे शिक्षक नहीं है, प्रधानाचार्य हैं। बात हम कर रहे हैं प्रयागराज के हंडिया के बिहार गाजीपुर की बिहार सफीपुर के प्रधानाचार्य की। ये प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ के प्रधानाचार्य को मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। अब जब प्रधानाचार्य ऐसे होंगे तो जाहिर सी बात है उनके अंडर में काम करने वाले शिक्षकों का क्या हाल होगा। और जब ऐसे प्रधानाचार्य हों और शिक्षक हों तो जब ये मासे अल्लाह हैं तो बच्चों का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुरु जी को तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए, प्रधानाचार्यों को नहीं पता है, और साथ साथ में इनके ज्ञान की गंगा नीचे तक पहुंच रही है और सातवीं और आठवीं क्लास के बच्चों को भी नहीं पता है कि सूबे के मुखिया कौन है और राज्यपाल कौन है। कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा इंडिया? शिक्षा, क्या यही शिक्षा का स्तर है हमारा? और जब इनसे पूछा जाता है, गुरु जी से, जब प्रधानाचार्य जी से पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल क्यों है, तो इसका पूरा ठीकरा वो अभिभावकों पर फोड़ देते हैं। कहते हैं अभिभावक कमजोर है, अभिभावक पढ़ाते नहीं है और इसीलिए बच्चों का ज्ञान कमजोर है। अरे सर, अभिभावकों का ज्ञान कमजोर है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, तभी तो आप जैसे गुरुजनों के पास भेजते हैं जिससे बच्चा कुछ सीख सके, पढ़ सके। हम जो जाहिल रह गए, उनका मानना, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका कहना है हम तो जाहिल रह गए, लेकिन कम से कम हमारा बच्चा तो पढ़ लिख जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, जब ऐसे गुरु जी होंगे, ऐसे प्रधानाचार्य होंगे, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? सवाल सबसे बड़ा यही है। हम इस पर चर्चा करेंगे सुबह बोली में, लेकिन हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े होंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जरा देख लीजिए गुरु जी का ज्ञान, देख लीजिए और शर्म करिए, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का गजब ज्ञान, इनको सीएम का नाम नहीं पता है। सीएम के नाम पर कातिलाना मुस्कुराहट, सवाल पर बोले अभिभावक है जिम्मेदार। गुरु जी की गजब गुरुवाणी। उत्तर प्रदेश में सर कितने सीएम हैं? ये जनाब हैं एक प्रसिद्ध स्कूल के प्रधानाचार्य जो प्रयागराज के हंडिया बीआरसी सफीपुर में स्थित है। इनको सूबे के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। ये जनाब कह रहे हैं कि सूबे में कई मुख्यमंत्री हैं। एक बार और सुनिए प्रधानाचार्य जी का ज्ञान। उत्तर प्रदेश में सर कितने सीएम हैं? उत्तर प्रदेश में सर कितने सीएम हैं? और तो और, इन ज्ञानी प्रधानाचार्य महोदय से जब पूछा गया कि ऐसे ज्ञान में किसकी कमी है, तो ये जनाब छात्रों के अभिभावक को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। हद हो गई यार, अध्यापकों में भी कमियां हैं, बच्चों में भी, गार्जियन, विद्यालय इस समय ठंडी के मौसम में बहुत ही कम आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, और कुछ कमियां तो अध्यापकों में भी होती है, कुछ अभिभावकों में होती है। भाई दोनों अध्यापक भी साइलेंट रहेंगे और गार्जियन भी रहेंगे। जब गुरु जी का ज्ञान अधूरा है तो छात्र छात्राओं को क्या पढ़ाएंगे और बच्चे ऐसे शिक्षकों से क्या शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? कक्षा 8 और कक्षा 7 के बच्चों को ना तो सीएम का नाम पता है और ना ही राज्यपाल का नाम पता है। उत्तर प्रदेश राज्यपाल का नाम, मुख्यमंत्री का नाम बताओ। उत्तर प्रदेश राज्यपाल का नाम बताओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्यपाल अमित शाह। प्रदेश की राजधानी क्या है?
हालांकि ये कोई पहला सरकारी स्कूल नहीं है जहां के शिक्षकों का ज्ञान भगवान भरोसे है। जरा सोचिए, जिन शिक्षकों को राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम नहीं पता है, जो बच्चों का भविष्य कैसे उजागर करेंगे। इन शिक्षकों का ज्ञान से तो बच्चों का भविष्य ही चौपट हो रहा है। अब जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे शिक्षकों पर कब कार्रवाई करेंगे और कब छात्र और छात्राओं को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल पाएगी? उत्तर प्रदेश में सर कितने सीएम हैं? डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए इनको। ये हैं राधे श्याम जी। राधे श्याम जी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानाचार्य हैं स्कूल के, और प्रधानाचार्य जी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं ये आपने देख ही लिया है, कैसे पढ़ाते हैं ये आप समझ गए होंगे। और ये कोई पहला और आखिरी मर्तबा नहीं है जब गुरु जी का ज्ञान सामने आया हो। इसके पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी अखिलेश यादव निकले थे और स्कूल में जाँच करने के लिए जब पूछा कि सूबे का सीएम कौन है, तो बच्चों ने बड़ी मासूम सी मुस्कुराहट से कहा था उन्हें नहीं पता है। अखिलेश को खराब लगा कि अरे मैं इतना बड़ा सूबे का मुखिया और मेरा नाम इन लोगों को नहीं पता है। अब एक बार फिर से जब जांच की गई तो सामने आया 3 साल हो गए सरकार को बने हुए और अभी तक इन महोदय को उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम नहीं पता है। तो जब महोदय राधे श्याम जी को नाम नहीं पता है, बच्चों को कैसे पता होगा? राज्यपाल का नाम नहीं पता है और जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है तो ज्ञान की गंगा कहाँ जा रही है, इससे आप अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका तारुफ करा देते हैं आपसे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका आप तारुफ कराएं। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं प्रयागराज से सीधे जुड़ रहे हैं, जरा हम उनका रुख कर लेते हैं। साहिब जी जरा बता दीजिए, ये जो गुरु जी की कातिलाना मुस्कुराहट है उसके पीछे का राज क्या है? पता नहीं है कि प्रधानाचार्य को कि कौन राज्यपाल है और कौन मुख्यमंत्री है? जी बिल्कुल, की बात है कि प्रधानाचार्य हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हम सीधे के और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? जो आरोप लगाए प्रिंसिपल साहब ने, जो प्रधानाचार्य बता रहे हैं कि जो है अभिभावक आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल ये टीचरों का आरोप लगा रहे हैं, टीचरों की है जी। तो कितना आपके स्कूल तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, बिल्कुल चकाचक है, रंग रोगन भी बहुत अच्छा किया है और बच्चे भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का आलम क्या है? क्या और भी कुछ बात किया बच्चों से आपने? विद्यालय बच्चों की लड़ाई शिक्षा का स्तर गिर रहा है, बिल्कुल ऐसे प्रधानाचार्य प्रत्येक विद्यालय को खत्म हो जाएगी। पूछने पर कि हमें सीएम का नाम पता नहीं है, जल्दी से एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, ये प्रधानाचार्य राधे श्याम जी के अलावा और कितने शिक्षक तैनात हैं यहाँ पर? जी यहाँ पे जी ने बताया कि यहाँ 8 शिक्षक है, शुक्रिया जगदीश जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी रिपोर्ट पेश की और देश की और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, कितनी बदहाल है, इसको आपने खोल करके रख दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ में 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ करा देते हैं। जी हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका हम तारुफ करा देते हैं और कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि राधे श्याम जी, जरा इनकी मुस्कुराहट देख लीजिए, कितनी कातिलाना मुस्कुराहट है।
हालांकि एक काम इन्होंने अच्छा किया, स्कूल को बहुत साफ सुथरा बना के रखा है, रंग रोगन भी खूब ठीक ठाक है, और इतनी मेहनत और मशक्कत अगर ज्ञान की गंगा बहाने में लगा देते तो शायद तर जाते, बच्चे पढ़ जाते, बच्चे आगे बढ़ जाते, देश का भविष्य बन जाते। लेकिन कहाँ जाएंगे ये बच्चे, कैसे बनाएंगे देश का भविष्य, इनके कंधों पर है देश का भविष्य, क्या यही होगा हमारा देश का भविष्य? सबसे बड़ी बात यही है। ये मासूम बच्चे, उनको क्या पता, उन्हें तो बस और ज्ञान की गंगा चाहिए, लेकिन ज्ञान की गंगा बह कहाँ रही है? गुरु जी की गजब गुरुवाणी है यहाँ पर, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें तो इतना पता है कि बच्चे। हमारे साथ में दर्शक जुड़ चुके हैं, आजम आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार शर्मा जी, अरे वर्मा जी, मेरा कहने मतलब ये है कि हमारे ये जो प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हम अपने देश के मुख्यमंत्री का नाम ना बता पाए, अपने देश का राज्यपाल का नाम ना बता पाए, अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम का नाम ना बता पाए, तो ये शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। और इस खिलवाड़ से बचने के लिए सरकार को कुछ कड़े कुछ गंभीर सोचना पड़ेगा, ये बहुत शर्मिंदगी आ रही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आलम जी, आपने ठीक कहा। ये कोई एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो सर जी, जी आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ हाँ सर जी, मैं एक बोल, हाँ हाँ आपको बात मालूम आ रही, आवाज आ रही जी? आ रही है बिल्कुल, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो, हाँ हेलो सर, ये मैं कह रहा हूँ जी, अब ये दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है वो शिक्षा का कितना हिसाब किताब बढ़ा दिया है, और यूपी में क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दिल्ली में हो जा रहा है लेकिन यूपी में क्यों नहीं हो जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ क्यों नहीं हो पाता? और कोई पहली बार नहीं है, ये लगातार होता रहा है, चाहे मायावती की सरकार रही हो या उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हाल है, बदहाल है उत्तर प्रदेश का हाल, शिक्षा का हाल बदहाल है। पता नहीं मुख्यमंत्री कौन है हमारे, फीस लेते हैं और तनख्वाह लेंगे, 80,000 रुपये तनख्वाह चाहिए, प्रधानाचार्य की कुर्सी चाहिए और धाक जमाने के लिए बच्चे चाहिए, जो मर्जी आए जब काम करा ले। मेहमानों का रुख करेंगे, हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा लेते हैं आपसे। शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका, और जेके सिंह साहब हैं, शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सिंह साहब, सिंह साहब अफसोस लगता है, दर्द होता है, शर्म आती है ऐसे टीचरों को देख करके। बिल्कुल ये एक चिंतनीय है, और एक प्रधानाचार्य होकर इतना आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये उस समय की भर्ती है जिस समय इंटरमीडिएट योग्यता होती थी, और उस समय जो है इन लोगों को रख लिया गया, और सरकार को चाहिए कि कोई एक जो है प्राथमिक शिक्षक जो है जो प्राथमिक जूनियर का एक आयोग बना देना चाहिए जहाँ से जो है योग्य शिक्षक जो है आए। अब हम देख रहा हूँ कि रिटायरमेंट के समय आ गया है, अब इनका जो है शिक्षा से जहाँ तक है कि अब उस तरीके से उतना नहीं उनका जो है अपना लगाव रह गया होगा। लगाव नहीं, शिक्षा से रिश्ता नाता नहीं है कोई। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि जो है इनको प्रिंस कम से कम मुख्यमंत्री और राज्यपाल और इन सबके नाम तो आने चाहिए, और ये भी हो सकता है कि कैमरे के सामने आकर जो है नहीं जवाब दे पाए हों, गांव से ताल्लुक रखते हों, बच्चे भी नहीं बता पा रहे भाई। अब अगर तो इसके मतलब जब बहाई होती तो नीचे तक जरूर गई होती, बंगाल में गिरती है ये तो पता होगा ना कहाँ से निकलती है। बिल्कुल, अगर बच्चों तक नहीं है तो इसके मतलब और भी शिक्षक जिम्मेदार है, क्यों नहीं अभी तक एक जो है मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम पता होना चाहिए, राज्यपाल का नाम पता होना चाहिए, शिक्षा विभाग के मंत्री का नाम पता होना चाहिए। ये जो है ये तो जो है सामान्य बात है, और इसका ज्ञान बच्चों को तक पहुंचाना चाहिए। चलें जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे, कोई पहली मर्तबा नहीं है कि ज्ञान की गंगा बह रही। देख लीजिए
हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, कातिलाना मुस्कुराहट देख लीजिए इनकी, कितनी कातिल मुस्कुराहट है कि कोई भी इनकी अदा पर फिदा हो जाए। लेकिन इनकी ज्ञान की गंगा जब बह, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं आजमगढ़ से। जी अपनी बात रखिए। नमस्कार शर्मा जी, हमारा कहने का मतलब ये है जी, नमस्कार, ये शिक्षक जो है इन शिक्षक को तो तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, तुरंत तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री जी को अपने तुरंत प्रभाव से इनको निलंबित कर देना चाहिए, चाहे रिटायरमेंट के करीब हो। बहुत से लोगों को पहले रिटायरमेंट दे दिया जाता था, ऐसे लोगों को पहले रिटायरमेंट दिया जाए और चिन्हित करके, जैसे हमारे अमित साहब बहुत लोगों को। अमित साहब बहुत शुक्रिया आपका, अमित साहब बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। दिक्कत यह है कि कितने लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंड कितने लोगों को किया जाएगा, यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। जी एक और दर्शक आगरा से जुड़ चुके हैं, जी अपनी राय रखिए। हेलो, मैं अजय प्रताप सिंह आगरा से बोल रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसा अन्य विभाग में किया, योगी जी ने पुलिस विभाग में किया है कि जबरन रिटायरमेंट दिया जाता है जो सही कार्य प्रणाली नहीं अपनाते, जिन्हें अपने बारे में सही जानकारी नहीं है, उनको इनको जबरन रिटायरमेंट कराया जाए। ऐसे शिक्षकों को जो बच्चों को क्या सिखाएंगे जब इन्हें खुद ही नहीं पता सारी चीजें। बिल्कुल नहीं, इनको रिटायरमेंट, बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। जबरन रिटायरमेंट दे देंगे तो आंदोलन हो जाएगा, सड़कों पर उतर आएंगे। शैलेंद्र जी, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, समस्या का समाधान यही कि पहले हम इस बात को स्वीकार करें कि हमारा जो बेसिक एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उसको जितनी मजबूती दी जानी चाहिए उतनी नहीं दी गई है। ये आपने बहुत शानदार बात कही, इसको सिर्फ उसी तौर पे चलाया जा रहा है। आपने एक सेंटेंस में पूरा सार कर गर्भित, आपने रहीमदास जी के दोहे के तरीके पूरा भर दिया, गागर में सागर भर दिया। क्या यहाँ पर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर गरीब गुर्गों के बच्चे पढ़ते हैं इसीलिए यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है? शायद ये भी एक रीजन हो जी, कि अगर वहां पर अभिजात्य वर्ग के लोग पढ़ते जी तो निश्चित रूप से फिक्रमंदी के चक्कर में बाकी लोग का भी भला हो जाता जी। एक और दर्शक हमारे साथ, आपको रोकना पड़ेंगे, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपनी जी आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार साहब जी, नमस्कार, मैं उमेश जैन मेरठ से बोल रहा हूँ सर। हाँ उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा जी, अच्छा, नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं ये स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने में मेहनत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिर रहा है। जब गुरुजी को नहीं पता वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ऐसे शिक्षकों को रिटायर कर देना चाहिए और योग्य शिक्षक स्कूलों में भेजने चाहिए, जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक है उमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी अपनी राय रखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टीचर लोग को जो है घर के बगल में इनका जो ज्वाइनिंग रहता है ना, हेलो जी इनकी जो ड्यूटी रहती है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, इनका क्या है, दूसरे जिले में करना चाहिए ट्रांसफर इनको, एक ही अपने गांव के आजू बाजू रहते हैं ना, तो इसके लिए सब जी। बहुत शुक्रिया चंद्रमान जी मुंबई से जुड़ने के लिए। एक गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जी अपनी राय रखिए। शिवाकांत जी आपको आवाज मिल रही हो तो अपनी राय रखिए।
चलिए, लगता है शिवाकांत जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा जब वो जुड़ेंगे तो उनकी राय जरूर सुनेंगे। शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी, देख रहे हैं आप कि गुरु जी दर्शक बहुत ही हमारे सुधीर दर्शक जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि गुरु जी को ज्ञान पढ़ना चाहिए, पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखते। सवाल ये कि जब कभी किताब का मुंह देखा होगा तभी तो पढ़ाएंगे ना, पेपर पढ़ेंगे तभी तो पढ़ाएंगे ना, कैसे पता होगा उनको, तो नोट गिनने से फुर्सत नहीं मिलती है। कब एक एक 30 तारीख 31 तारीख आए, 1 तारीख आए, नोट गिने, घर जाएं और बच्चों राजस्थान से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी, अपनी राय रखिए। आज 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 मेरा कहना यह है कि ये जो मास्टर है ना, ये गांव के अंदर रहते हैं, इनको क्या शिक्षा का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े हैं कि मैं फील्ड में फिरता हूँ और देखता हूँ, ऐसे मास्टर को तो टेम्पररी रिटायरमेंट कर देना चाहिए, ये क्या बच्चे को पढ़ाएंगे। बिल्कुल, क्यों पेन लेंगे ये लोग, पेन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस अपना महीना काटना है, समय काटना है, समय हो गया, प्रधानाचार्य बन गए बहुत, और गुरु जी हैं, पाए लगी भी होती है दिन भर। और राजेश जी जुड़ गए हमारे साथ में एक दर्शक, राजेश जी अपनी राय रखिए। जी प्रदीप जी नमस्कार, जी प्रदीप जी नमस्कार, हेलो जी प्रदीप जी नमस्कार। राकेश जी अपनी राय रखिए। हमने कहा बड़ी आपने जी नमस्कार। आपने मुहिम चलाई, ये इतने 62-63 साल हो गए होंगे, इनको करीब 62-63 साल हो गए होंगे पढ़ाते पढ़ाते, अभी तक इतनी सरकारें आई और क्या किसी ने इनको इनके ध्यान नहीं दिया है, स्कूल के बच्चों का क्या हुआ होगा, तो बड़ी शर्म की बात है, और क्या होगा इन बच्चों का भविष्य। राकेश जी, जी राकेश जी ध्यान ध्यान सभी देते हैं, आपको याद दिलाते चले कि अखिलेश यादव स्वयं गए थे कॉलेज इन छात्रों के बीच में, और जब उनसे पूछा कि सुबह के मुखिया कौन है आप मुझको पहचानते हैं, बच्चों ने साफ इनकार कर दिया था, बड़ा खला था उनको कि सुबह के बच्चे हमको जानते नहीं है, इतना पैसा बांट दिया हमने, कंबल बांट दिए, स्वेटर बांट दिया, मोजे दे दिए, जूते दे दिए, अंडा दे दिया, दूध खिला दिया, एनीमिया कम करने की बात कर दी, लेकिन अफसोस हाय हमको पहचानते नहीं। और यही हाल सभी सभी मुख्यमंत्रियों का है। आज एक और मेहमान हमारे साथ, गेस्ट हमारे साथ, एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए उन्नाव से, जी अपनी राय रखिए। हाँ सर, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ उन्नाव से। जी बताइए। हमारे कहने का मतलब ये, हमारे यहाँ मैं उन्नाव विधानसभा बांगर मोसे में बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो स्कूल होते हैं तो उनमें पता क्या होता है कि खाना भी नहीं मिलता है और पढ़ाया भी नहीं जाता है और कोई काम ही नहीं होता है स्कूलों में। ठीक करें, ना खाना मिलता है ना पढ़ाया जाता है, बस बच्चों को भेजिए और थोड़ा बहुत जो इधर उधर मिल जाए हाथ मार दीजिए खाने में बस, और वापस चले जाइए, गुरु जी की पाए लगी कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी पाँव लागी, ये बहुत जरूरी है, बाकी ज्ञान की गंगा तो बहती रहती, समय समाप्त हो चुका। शैलेंद्र जी चलते चलते आपसे, क्यों ये पहला और आखिरी मर्तबा नहीं है, बच्चों के ज्ञान की गंगा यूं ही बहती रहेगी, कोई ध्यान देगा क्या कभी? बिल्कुल देगा और देना पड़ेगा और दे रहे हैं, दरअसल काफी कुछ परिवर्तन आया है और सरकार को भी समझ में आ गया, डिपार्टमेंट को भी समझ में आ गया। और जैसा अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव जी जब गए थे एज ए चीफ मिनिस्टर और उनको बड़ा धक्का लगा, और धक्का इस बात का और ज्यादा लगा था कि हर चौराहे पर उन्होंने अपनी फोटो लगवा रखी थी। हमारे दर्शक बहुत सुधी है, बहुत प्रोग्राम देखते हैं, दूर दूर से कॉल। जी अपनी बात रखिए। जी जी अगर आपको आवाज मिल रही हो तो अपनी राय रख सकते हैं आप अनिल जी। अनिल जी क्या आपको आवाज मिल रही है? लगता है अनिल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है,
जेके सिंह साहब, चलते चलते बस समय समाप्त हो चुका है, आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आप लोग शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं अपने में स्क्रीनिंग करते हैं कि जो जिन लोगों की ज्ञान की गंगा इतनी अपार है, उनकी ज्ञान की गंगा को किनारे करके उनको किनारे बैठा दिया जाए, जो नए लड़के हैं उनको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, वो थोड़ा तो पढ़ा पाएंगे ना। सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जो लोग जो है प्रॉपर समय समय पर इन लोगों की ट्रेनिंग हुआ करे, जिससे इनका नॉलेज अपडेट होता रहे और ये भी पता चलता रहे कि कौन शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहा है, किसको कितना नॉलेज अपडेट है। इस तरीके से कोई प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे कि जो है इस तरीके की समस्याएं ना आए। जेके सिंह साहब, हर चीज सरकार कर लेगी तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, सरकार ट्रेनिंग भी दे दे, सरकार आपको अपॉइंटमेंट भी कर दे, सरकार जब आपको निकाले तो आप आंदोलन कर दें, आपसे मिले भी और उसके बाद आपकी जो डिमांड्स हैं सारी मान भी ले, फिर आपका आपका अपॉइंटमेंट घर के एकदम बगल में कर दे, 2 किलोमीटर दूर जाना ना पड़े, क्या क्या करे सरकार, कुछ हम भी कर ले। नहीं, ये तो नैतिक जिम्मेदारी है जी, नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन जो है मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो है उस समय की भर्ती है, जो एग्जाम्पल आ रहा है कि जिस समय इंटरमीडिएट योग्यता थी और उस समय जो है कोई एग्जाम नहीं हुई, एक आयोग बनाना चाहिए जो नए शिक्षक है उनमें कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। हम लोग जब भी बैठे ना तो अक्सर हम लोग बहुत ज्ञान बांट देते हैं, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, सरकार को ये नहीं करना चाहिए, सरकार को ये नहीं करना, हमको क्या करना चाहिए जरा हम बता दें। क्या शिक्षक संघ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि शिक्षक संघ आगे आए और खुद से स्क्रीनिंग करे कि नहीं इनको ज्ञान नहीं है, हम बताते हैं और इनको किनारे करिए और नए लड़कों को चांस दीजिए और वो पढ़ाएंगे आकर के। देखिए शिक्षक हम भी कर लें, नहीं शिक्षक संघ को ज्ञान में जब आएगा, क्योंकि जो है शिक्षक संघ जाकर ये नई जानकारी प्राप्त कर पाएगा कि किसको कितना ज्ञान है, क्योंकि सभी शिक्षक जो हैं, शिक्षक संघ है वही शिक्षक है, शिक्षक भी हैं, वो अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत हैं, तो ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि हम पता कर पाए किसको कितना ज्ञान रह गया है, कितना ज्ञान नहीं रह गया है, कौन, क्योंकि समय समय पर आप लोगों को भी ट्रेनिंग करते रहना चाहिए ना। शैलेन जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि शिक्षकों को भी, शिक्षक संघ को भी आगे आना चाहिए और जो बुराइयां हैं, जो बुराइयां, उन बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जो बात है वो अपने अंदर सुधार करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जी, जिस तरह आप इशारा कर रहे हो, जब तक ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी बाहर से थोपी गई कोई भी चीज कामयाब नहीं हो पाएगी जी। तो ये करने की बहुत आवश्यकता है, उसको करने के तरीके बहुत से हो सकते हैं, एक उसमें शिक्षक संघ भी स्वयं आगे आए और अपनी प्रतिबद्धता को दिखाए कि हाँ ऐसे जो लोग बिल्कुल इस तरह नाक कटाने वाला जो काम कर रहे हैं उनको तो कम से कम सीधे कह सकते हैं कि अरे इनको हटाओ। ये मीडिया कब तक रोल अदा करता है? मीडिया ने दिखाया जो शिक्षक ये नेतागिरी कर रहे हैं उनके स्कूल के बच्चे 0 मार्क्स पा रहे हैं, सबसे पीछे हुए, तो नेतागिरी तो बहुत कर लेते हैं, पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, क्यों शैलेन जी? बिल्कुल सही बात है, और इसलिए जरूरी है कि इन लोगों की हिट इंडक्शन एक होनी चाहिए ट्रेनिंग, जितने लोग हैं और इस आधार पर होनी चाहिए कि अगर मिनिमम इतना मार्क्स नहीं प्राप्त किया तो आपको शिक्षण कारण नहीं लगाया जाएगा बल्कि कोई और काम कराएगा। चलिए शैलेन जी माफ करिएगा, समय भी हमारे पास इतना ही था, हमारे पास भी मजबूरी है और हम उस मजबूरी के आगे बेबस हैं कि हम टाइम लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों लोग मेहमानों का और उन सुधीर दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने दूर दूर से कॉल किया, मुंबई से, राजस्थान से, तमाम दिल्ली से, और अपनी राय रखी, सभी का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ज्ञान की गंगा क्या ऐसे ही बहती रहेगी, कब तक इन गरीब गुर्गों के बच्चों को इस तरह बहलाया जाएगा, गुरुजी प्रणाम की परपाटी कब तक चलती रहेगी, क्यों नहीं ये ज्ञान की गंगा सही से बह पाती है, ये आप हम सबको, सरकार को तो सोचना ही है, हमको, आपको, शिक्षक संघ को, सबको मिलकर के सोचना होगा, क्योंकि ये देश के भविष्य है, नौनिहाल है, देश का भविष्य खराब हो जाएगा अगर हम इनको सही राह नहीं दिखा पाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला।
Mount Literal C School, Unnao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Literal C School, Unnao.